नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। रेलवे की तरफ से पारा मेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, जारी कर दिया गया है। और ये जो पूरी भर्ती है ये आरआरबी ले रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर नोटिफिकेशन नंबर की मैं बात करूँगा तो आपको पता है CEN से चालू होता है 04/2024, और ये पारा मेडिकल के क्षेत्र में इस साल की भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है। क्योंकि ये रेलवे की तरफ से है तो केंद्र सरकार इसका पूरा, रेलवे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो सब कुछ देखभाल करेगी, आपका पूरा इसका संचालन, एग्ज़ाम का, रिक्रूटमेंट से लेकर के भर्ती तक सब कुछ, सारा चीज़ ये देखने वाली है। ठीक है, तो आरआरबी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी और ये पारा मेडिकल के पदों पर भर्ती निकल करके आई है। और टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो 1376 पोस्ट पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। 1376 ऑल इंडिया बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट है, और पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर आप एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आगे योग्यता के बारे में जानकारी लेंगे। स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो स्टार्ट डेट जो है वो आपका 17 अगस्त से फॉर्म चालू हो जा रहा है। 17 अगस्त से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। और अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो 16 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 16 सितंबर 2024। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो फटाफट जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करके रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट 17 अगस्त है, तो 17 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म फ़ी। आपको पता है रेलवे पैसा लेती है 500 रुपये जनरल कैंडिडेट OBC EWS वगैरह से, लेकिन 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो फॉर्म फ़ी वही आपका रहेगा 500 रुपये, जिसमें से आपका 400 रिफ़ंड हो जाएगा, तो मतलब 100 रुपये लगेगा। और SC ST को 250 रुपये लगता है, बाकी बाद आपका टोटल फ़ी रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जिसमें भी हैं उसमें आवेदन कीजिएगा, फॉर्म फ़ी ये लगने वाली है। अभी देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो पूरी जानकारी निकल करके नहीं आई है, तो मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। एज की बात करेंगे तो एज जो है वो पारामेडिकल का पोस्ट है, तो बहुत सारा आपका, बहुत सारे आप कह सकते हैं ट्रेड में या बहुत सारे फील्ड में आपको ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो सभी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एज जो है वो अभी फुल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब निकल करके आएगा एज वगैरह क्या मांगा जा रहा है, लेकिन अभी बस इतना बताया गया है कि किस पोस्ट में कितना सीट निकल करके आई है। तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे तो 713 सबसे ज़्यादा जो सीट है वो इसी में निकल करके आई है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। उसके बाद दूसरे नंबर में आप देखेंगे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड का है, 126 सीट है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए एजुकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है शॉर्ट नोटिफिकेशन में, तो जैसे ही एजुकेशन के से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां होंगी वो निकल करके आएंगी तो उसका भी एक अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आपका लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड है, इसमें भी 27 सीट है टोटल। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड टू है, जिसमें 20 सीट निकल करके आई है। उसके बाद फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड का है ये, ठीक है, फार्मासिस्ट की भर्ती है, 246 पद है। अगर दूसरी सबसे बड़ी आपकी भर्ती है जो फार्मासिस्ट में होने वाली है। तीसरे नंबर में हेल्थ एंड मलेरिया वाला डिपार्टमेंट है, इसमें भी अच्छी खासी भर्ती है। उसके बाद रेडियोग्राफर की बात करेंगे, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह का जो पोस्ट होता है उसमें भी भर्ती है, 64 पद पर ये पूरी भर्ती होगी। उसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड टू है, 94 सीट है। ये सब जो भी भर्तियाँ होंगी रेलवे का, जो भी अस्पताल वगैरह आपने देखा होगा, रेलवे हॉस्पिटल वगैरह, उसमें आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, उस डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती होगी। और ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है और सैलरी भी लाजवाब है, सैलरी के भी बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट ग्रेड टू में 94 सीट है। उसके बाद फील्ड वर्कर के लिए 19 सीट है, और आपका डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बात करेंगे तो 20 सीट पे भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, आगे बहुत सारे और भी पद है, कुछ कुछ पदों में 1 से 2 सीट की भर्ती है, तो मैंने कुछ को छोड़ दिया है, लेकिन जो लगभग 5-7 के ऊपर थी तो मैंने उसको लिखा है। उसके बाद ECG टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 13 सीट है इसमें। उसके बाद डाइटिशियन की बात करेंगे तो डाइटिशियन में टोटल 5 सीट है। उसके बाद आप देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उनके उनके पद पर रिक्रूटमेंट है, 7 सीट यहाँ भी निकल करके आई है। अब लगभग आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आप किस ट्रेड से जुड़ा हुआ कोर्स किए हुए हैं और किस ट्रेड में आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ट्रेड से जुड़ा हुआ जो भी आपका
एजुकेशन है उस एजुकेशन के हिसाब से आवेदन कीजिएगा। जब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस रेलवे का सिंपल होता है। आपको पहले रिटन एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, रिटन के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर मेडिकल हो जाता है। आप मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं और आपका ही मेडिकल पहले होगा, ठीक है। तो रिटन जो हो सकता है उसमें आपका स्टेज वन और स्टेज टू दो तरीके का होगा, ठीक है, जिसको आप प्री और मेंस कह सकते हैं। ये दोनों आपको निकालना होगा, ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखिए अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जैसे EWS है, SC ST OBC वगैरह है, ठीक है, तो आप अभी से ही, आपके पास समय है, आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर बनवा करके रख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में ये बहुत समय के बाद ये भर्ती निकल करके आई है पैरामेडिकल वाले की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाने के लिए ये बेहतरीन और सुनहरा मौका है, आप इस मौके को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, ठीक है। आप इस पे फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी भी अच्छी खासी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँगा तो 35,000 रुपये से ऊपर की आपकी सैलरी बन रही है महीने। अब ये 35 तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, मेडिकल फील्ड में 50-60 हज़ार रुपये मतलब उसको कम कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक है और इस हिसाब से इसके ऊपर आपकी सैलरी बनेगी जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, 1376 पद पर पूरी भर्ती है। 17 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा 16 सितंबर तक, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो में भी कमेंट कर लीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको जो भी आपके मनों में सवाल हो उसको दूर करने की। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।